हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु दो भाई थे, हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने कर दिया। तब से हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानने लगा। चार संतानें हुई हिरण्यकश्यपु की। सबसे छोटे बेटे का नाम था प्रह्लाद। क्या नाम था? प्रह्लाद। और प्रह्लाद की माता जी का नाम था कयादु। क्या नाम था? कयादु, कयादु नंदन प्रह्लाद। तो एक संत बोले, भैया प्रह्लाद जी को बचपन में ही एक ग्रह लग गया था। बोले कौन सा? बोले कृष्ण गृहीत लालसा। मतलब देखो भाई, शुक्र शनिचर राहु केतु लग जाए तो पंडित जी को बुलाकर मंत्र जाप करवा लो, शुक्र शनिचर उतर जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण रूपी एक ऐसे ग्रह हैं कि एक तो सीधे से किसी को लगते नहीं है, और लग जाए तो फिर ये उतरते नहीं है। अच्छा, कृष्ण नाम पढ़िए, कहिए कृष्ण। कृष्ण नाम में काके नीचे जो रकार है ना टेढ़ी टेढ़ी, यही खतरनाक है। जो रकार है ऐसी टेढ़ी, इसको गांव में कहते हैं बंसी। मछली पकड़ने का एक कांटा होता है, देखा तुमने? वो एकदम ऐसे ही टेढ़ा होता है, उसे मछुआरे लोग कहते हैं बंसी। क्या कहते हैं? तो मछली पकड़ने वाले उसमें कुछ खाने का पदार्थ लगाकर, जरा काकरा पर जरा जूम करो तो पकड़ते हैं। तो खाने का पदार्थ लगा देते, मछली भोजन समझकर खाती है और वो बंसी तलुए में फंस जाती है। हाँ जी या ना जी? फिर मछली कितना भी उपाय करे निकलती। उसी प्रकार भगवान कृष्ण की जो ये जो रकार है ना, एक तो भक्त कोई फंसता नहीं है, और फंस जाए तो जन्म जमन्म फिर निकलता नहीं भक्ति से बाहर। प्रह्लाद जी को भी यही रोग लग गया। पिताजी ने खूब समझाया, गुरुजी ने समझाया कि तुम्हारे पिता ही भगवान है, नहीं माने। पिताजी ने गुरुकुलम पढ़ने के लिए भेजा। आहा, तो सब विद्यार्थियों को प्रह्लाद जी एक ही बात पढ़ाते, बोले क्या? भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब। एक बार पिताजी ने त्योहार पर बालक को घर बुलाया, बेटा पढ़कर आया, बताओ प्रह्लाद जी क्या पढ़ा स्कूल में? पिताजी हमने तो एक ही बढ़िया बात पढ़ी, क्या? भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गई, हमारा लड़का तो बिगड़ रहा है। गुरुजी को बुलाया, दो गुरुजी थे संडा और अमरक। क्या पढ़ा रहे हो? हमारे बेटे को बर्बाद कर रहे हो? सावधान, खबरदार, हमारे बेटे को ठीक से नहीं सुधारा तुम्हारी गर्दन काटने। सरकार क्षमा करो, तुम्हारा बालक इतना उल्टा है, ये पेट से ही पढ़ा पढ़ाया आया है। फिर भी समझा। दोबारा कई दिन बीते, हिरण्यकश्यपु ने फिर बुलाया, बेटा को पूछा जाए, बेटा बताओ क्या पढ़ा? इस बाहर तो प्रह्लाद जी नहुदा भक्ति बता दिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्म आत्मनिवेदनम। ये नौ भक्ति बताई। गोस्वामी जी ने भी नौधा भक्ति लिखी, राम जी ने सबरी माँ को बताई। प्रथम भगते सन प्रसंग
प्रथम भगति सं तर कर संगा श्री राम जय पहली भक्ति है भगवान की कथा सुनना, दूसरी कीर्तन, तीसरी भगवान का स्मरण, चौथी भगवान के चरणों की सेवा, पांचवी भक्ति अर्चन, छठवी भक्ति भगवान का वंदन करना, सातवीं भक्ति दास्य भाव से जीना, आठवीं भक्ति सख्य भक्ति, सख्य भाव से प्रभु को स्वीकार करना, नौवीं भक्ति आत्मनिवेदन करके भगवान को समर्पित कर देना। हिरण्यकश्यप नाराज हो गया, वापस भेज दिया। एक दिन स्वयं देखने के लिए गया तो प्रहलाद जी तो सब मित्रों को पढ़ा रहे थे, देखो भैया कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मान संदेह दुर्लभम मान समजनम तत्पुद्रुम ध्रुवम अर्थदम। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसलिए सब विद्यार्थियों को कहा कि कीर्तन गाओ। इतने में हिरण्यकश्यप आ गया, बता तेरा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद जी बोले कहाँ नहीं है ये पूछो हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना। वो सब जगह है। हिरण्यकश्यप बोला इस खम्भे में भी है, बिल्कुल है। बांध दिया तलवार मारने के लिए, निकाल ली। भगवान ने सोचा अगर भक्त का अहित हो जाएगा, कोई हमारी भक्ति नहीं करेगा। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सरकार हमें मरने का कोई भय नहीं, पर आपकी नाक ना कटने पावे। आहा, याद कर अपने भगवान को। हिरण्यकश्यप बोला, प्रहलाद जी बोले हमें तो याद ही है, तुम याद करो काल आने वाला है। पिताजी काल, हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता। और उठाकर तलवार मारना चाहा, गगर गड़गड़ावे दसंजीव लप लप लसावे चित्त बत सरोज मन मानो अब खाबत है। गगर गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो निक्सोरन नाहर को रूपति भयानक है। गगर गड़गड़ावे दसंजीव लप लप लसावे चित्त बत सरोज मन मानो अब खाबत है। पृथ्वी टोल गई, खंबा फट गया, भगवान विकराल रूप नरसिंह बनकर के प्रकट हो गए। पहले तो हिरण्यकश्यप भी डरा कि खतरनाक है, चूंकि हिरण्यकश्यप को 6 वरदान थे, ब्रह्मा जी ने दिए थे, ना दिन में मरूंगा ना रात में, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे, न बाहर मरूंगा न भीतर, न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से, न 12 महीनों में से किसी महीने में मरूंगा, न पशु से मरूंगा न नर से। यह वरदान हिरण्यकश्यप को थे। तो पहले तो हिरण्यकश्यप डरा के खतरनाक प्रकट हुए, बोलो नरसिंह भगवान की। लेकिन बाद में सोचा कि हमें कौन मरना है, तो भगवान से द्वंद्व युद्ध करने लगा। भगवान ने मुक्का मार मार के नट बोल्ट ढीले कर दिए। हाँ, बाद में भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाया और घर की देहरी पर भगवान बैठ गए, जांघों पर लिटा लिया। हिरण्यकश्यप बोला देख भाई हमको नहीं मरना है। भगवान बोले क्यों? बोले हमें वरदान है, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले भाई साहब ना दिन है ना रात, शाम हो चली है, गुड आफ्टरनून गायब है। तो हिरण्यकश्यप बोला फिर भी नहीं मरेंगे। बोले क्यों? बोले हमें वरदान है, ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले देख आउट गोइंग इनकमिंग दोनों फ्री,
ना तुम बाहर हो ना तुम भीतर हो, बीच की बीच दरवाजे की देहरी पर बैठे हो। हिरण्यकश्यप बोला तब भी नहीं मरूंगा। क्यों? ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे, वरदान है। भगवान बोले ना तुम अपर में हो ना डिपर में। फिर भगवान बोले तुम बीच की बीच हमारी लिफ्ट पर जांघ पर लेटे हो। तो हिरण्यकश्यप बोला अब भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले क्यों? बोले एक और वरदान है। क्या? ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान अपने नाखून दिखा के बोले देख यही बहुत है तेरे लिए। तब भी नहीं मरूंगा। क्यों? वरदान है। क्या? ना मैं नर से मरूंगा ना पशु से। देखो बच गया। भगवान बोले हमारा सिस्टम देख ठीक से, ये मटेरियल ब्रह्मा जी की भी फैक्ट्री में नहीं है। आधा नर हूं आधा सिंह हूं, ऐसी सर्जरी तुम्हारे ब्रह्मा जी भी नहीं करके जानते कि सिंह में नर फिट कर दें। ऐसी सर्जरी नहीं अभी तक बनी। एक बार एक डॉक्टर हमसे भिड़ गया एम्स का। बोला गुरुजी भगवान अगवान लगाए रहते हो, तुम्हारे भगवान का करते? हमका ये बता तू काय का स्पेशलिस्ट है? बोला सर्जरी का। हमने कहा तूने कभी आधा नर आधा सिंह फिट किया? बोला हमने बोला कुछ नहीं, ये तो नहीं किया। हमने कहा ठटरी के परे, तो फिर तू कुछ नहीं जानता। ब्रह्मा जी भगवान की सर्जरी देखो, आधा नर आधा सिंह, इसलिए लोग इनको कहते हैं नरसिंह। हिरण्यकश्यप को लगा के मामला पूरा ही गड़बड़ है, पूरा मैच इनके ही पाली में जा रहा, दे बाउंड्री पे बाउंड्री लगा रहे हैं। तो अंत में हिरण्यकश्यप बोला फिर भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले क्यों? एक और वरदान है। कौन सा? 12 महीनों में से मैं किसी महीने में नहीं मरूंगा। अब तो बच गया ना। भगवान बोले अभी अभी स्पेशल तुम्हारे लिए लॉन्च करके आए हैं। हिरण्यकश्यप बोला मतलब? भगवान बोले अधिक मास का महीना जो लौड़ का महीना कहलाता है, एक्स्ट्रा चार्ज तुम्हारे लिए ही फिक्स किया है। अब हिरण्यकश्यप समझ गया कि तेरे भी खब जानी है। फिर भगवान प्रहलाद जी की दैन्यता की तरफ देखकर अपने दोनों नाखून उठा करके हिरण्यकश्यप के उदर में विदीर्ण करते और हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः। ऐसे हिरण्यकश्यप का वध हुआ। प्रहलाद जी को भक्ति दी। प्रहलाद जी से भगवान बोले मांगो। प्रहलाद जी बोले नासा भक्तया सावई बड़िक। भगवान की भक्ति करके कुछ मांगने वाला भक्त नहीं कहलाता। हम नहीं कह रहे। प्रहलाद जी बोले सावई बड़िक। बड़िक का मतलब व्यापारी, बिजनेसमैन। भाई तुम भक्ति कर रहे तो बदले में कुछ ले भी तो रहे, तो तुम भक्त नहीं हो, बिजनेसमैन हो। क्या हो? भक्त तो कहता है जिसमें तेरी रजा उसमें मुझे मजा।